बट एटलीस्ट उस प्लेयर की पोजीशन पता है, तो लीजिए सीधा वहीकल के साथ एक स्लैम एंड करके क्लेस पावर आगे बढ़ रहे हैं। अब हाथ में माइकल ओजी और ये वेपन ऐसा है जो कहीं ना कहीं डीबीएस जैसा ही रहेगा। एक बार अगर एक मतलब आपने एक पिन पॉइंट पकड़ लिया तो फिर सीधा स्प्रे खत्म होगी, सीधा वो 25 बुलेट्स दागती दिखेगी ये वेपन, और फिर उसके बाद वो खिलाड़ी नॉकआउट होगा। बट डीबीएस साथ आगमन होगा और डीबीएस के साथ वो कनेक्शन, जॉनथन पहले ही फ्रैग निकालेंगे बड़े आराम से। करेक्ट, सही मौके का गोल्डन विराडो भी। देखिए जिस जगह पर अभी के लिए ओआर विराजमान है, ये वो एक प्राइमरी लोकेशन रहता है, प्राइमरी ड्रॉप रहता है टीम गॉडलाइक का, तो वो तो अपने कह सकते हैं घर में आई है यहाँ पर लूट करने के लिए। बट अगर किसी और को पाएगी तो गुस्सा तो जरूर होना लाजमी है यहाँ पर, बट देखते हैं मेजबान या फिर मेहमान कौन बच के जाएगा इस सिचुएशन से यहाँ पर। सदा जी ये तो अब देखने वाली बात रहेगी जरूर से। दो फिनिशर्स हैं यहाँ पर जॉनथन के पास, कुकिंग अनेट ट्राइंग इज बेस्ट टू गेट दोस वैल्यूज, डैमेज थोड़ी बहुत पड़ी जरूर से, बट अभी भी किसी एक पर्टिकुलर टीम के पास कोई खासा तगड़ा वैल्यू नहीं आई। बट हाँ चलिए एक नेट चली मैक्स के ऊपर, कनेक्शन आता दिखेगा जरूर से, और इसी के साथ बगल में प्लेयर बैठा था गुड फिक्सेस, एक अच्छा वैल्यू यहाँ पर निकलता दिखेगा। दोनों प्लेयर्स एक साथ एज अ यूनिट पुश करना चाहते हैं, दो और प्लेयर समाप्त हो चुके हैं, अब एक आखिरी खिलाड़ी ओआर के मैक बचने, एक मोल्टॉफ डालेंगे जरूर से, बट पोजीशन इनकी कॉम्प्रोमाइज है, नीड्स टू चेंज द पोजीशन। अब अपने आप को बचाने के लिए आपको थोड़े बहुत स्मोक वॉश करने पड़ेंगे, पोजीशन बदलनी पड़ेगी, बट ये क्या बैंडेज थ्रो करने की कोशिश, स्पॉट किया, एक अच्छा डैमेज आया मैक की तरफ से, डाउन किया जाएगा खिलाड़ी को, बट मैक समापन आपको उनका भी दिखेगा। पांच फिनिशेस।